चैनल डियर सुन, आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा एक्सरसाइज नंबर 5.3। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी बोर्ड से आप तल्लक रखते हैं तो बेटा ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूज़ दी रिमाइंडर थ्योरम। हमने यूज़ करना रिमाइंडर थ्योरम और टू फाइंड दी रिमाइंडर व्हेन, यानी कि फिर हमने रिमाइंडर को फाइंड करना है। दरअसल पहले रिमाइंडर्स क्या है, इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको ज़रा पहले डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये देखिए, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर लिखा हो 9, बेटा यहाँ पे बाहर लिखा हमने 2, तो 2 4 8 और यहाँ पे जो बचेगा वो 1 है। तो ये जो चीज़ है ना, दरअसल ये क्या है, रिमाइंडर। ये क्या है, रिमाइंडर। और ये जो चीज़ होती है इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन। उसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन। और इसको लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में QX, और इसको बोलते हैं जी रिमाइंडर, और इसको जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है वो लिखा जाता है जी R। अच्छा, इसके बाद ये जो चीज़ है बेटा, ये क्या होता है, ये होता है डिवाइजर। ये क्या होता है, जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं इसको बोलते हैं डिवाइजर। और जो अंदर चीज़ है इसको बोलते हैं डिवाइडेंड। इसको क्या बोलते हैं, जिस पर डिवाइड हो रहा होता है उसको बोलते हैं डिवाइडेंड। तो ये जो बेटा चीज़ें हैं ये आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पर जो पॉलिनोमियल के बारे में बताया गया है वो मैं ज़रा आपको बता दूँ। एक छोटा सा फार्मूला है कि ये फैक्टर्स का क्या होता है, ये क्वेश्चन किस तरह दिए वो मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर इस साइड पर होता है जी डिवाइडेंड, जो हमारे पास जो फार्मूला है वो है जी डिवाइडेंड जो है वो बराबर होता है जी डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन जमा रिमाइंडर। जमा क्या आ जाएगा हमारे पास, रिमाइंडर। अब जो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जी हमारे पास आ रहा है जी कोई भी हम नंबर लिख लें, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, यानी कोई भी है। जैसे ये नंबर्स आते हैं एक्स के साथ ना, एक नंबर्स आ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी एक मेरे पास पॉलीनोमियल है और यहाँ पर आ जाए जी एक्स माइनस ए, यहाँ पर क्या आ रहा है जी एक्स माइनस ए। अब आप ये देखें, जो जब हम किसी पर डिवाइड करते हैं ना तो हमारे पास एक चीज़ आ जाती है। यहाँ पर हमने क्या करना है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जी डिवाइजर आ रहा है जी, अब ये जो चीज़ है ये कहलाता है डिवाइडेंड। ये जो चीज़ है ये डिवाइडेंड यानी अंदर है, और जो बाहर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, डिवाइजर। और डिवाइजर जो है वो हमारे पास क्या आता है, ये हमने देखना है। तो यहाँ पर बेटा मैं करता हूँ, अच्छा तो बेटा यहाँ पर पॉलीनोमियल को हम क्या करते हैं कि यहाँ पर पी एफ एक्स का नाम देते हैं पॉलीनोमियल को, और यहाँ पर हम डिवाइजर की जगह जो कि हमारा जो डिवाइजर है ये दरअसल वो हमारे पास क्या आता है जी एक्स माइनस ए। अगर हम लिखते हैं यहाँ पे क्या आ जाता है जी एक्स माइनस ए, ठीक है। उसके साथ हमारे पास आ रहा है जी क्वेश्चन, और प्लस क्या आता है, रिमाइंडर। अगर मैं इसकी जगह ए रखूँ, इसकी जगह किसकी जगह, x की जगह, अगर मैं पुट करता हूँ बेटा x की जगह मैं a रखता हूँ, तो जो p ऑफ a है वो किसके बराबर आएगा, a माइनस ए, और यहाँ पर जी क्वेश्चन आ रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये प्लस है जी रिमाइंडर। तो जीरो आ जाएगा, जीरो जिससे मल्टीप्लाई होगा वो जीरो आ जाएगा, जीरो प्लस रिमाइंडर। और दरअसल जो भी मैं चीज़ रखूंगा पॉलीनोमियल के अंदर वो जो चीज़ बचेगी, यानी एंड पे जो भी चीज बचे करेगी, जैसे ये डिवाइडेंड है इसको क्या करना है, यहाँ इसको जीरो के बराबर रख के वैल्यू निकाल लिया और यहाँ पे पुट करेंगे। और जो चीज एंड पे बचेगी, जैसे पी ऑफ टू जो है, ये पहले का जी पी एक्स माइनस टू है ना, ये जीरो है, तो एक्स का जो आप क्या आ जाएगा, टू। तो जब हम टू रखेंगे तो जो एंड पे चीज बच जाएगी, ये जो चीज है वो हमें पता है कि वो किस क्या होती है, रिमाइंडर। ये आपने याद रखना है, दरअसल ये जो चीज है ये इसमें तो हमने रिमाइंडर ही मालूम करना है। ये होता है शॉर्टकट मेथड के साथ, ये लॉन्ग कट मेथड जो है वो आपने पढ़ा होगा, डिवाइड की तरह हम करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको रिमाइंडर थ्योरम को यूज करना है, और वो थ्योरम ये है। और ये बहुत ज्यादा आसान है कि कोई भी पॉलीनोमियल हो वहां पर डिवाइजर हो अगर एक्स माइनस ए, तो यहाँ पर आप कोई भी चीज जो यहाँ पे आपने पुट करनी है वो यहाँ पे पुट करनी है। जो भी डिवाइजर होगा जैसे एक्स माइनस टू है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स माइनस टू, तो फिर मैं यहाँ पर क्या पुट करूंगा, टू। मैंने ऐसी चीज कोई पुट करनी है, जैसे अगर मैं लिखता हूँ सर आप लिख रहे हैं जी एक्स माइनस टू, अगर मैं एक्स माइनस टू लिखता हूँ, अब मैंने एक्स की जगह वो चीज रखनी है जिससे ये क्वेश्चन ये सारे का सारा जीरो हो जाए, तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगा जी टू। तो जब मैं टू रखूंगा तो यहाँ पे जब एक्स की जगह टू आ जाएगा,
तो 2 माइनस टू जीरो, जीरो जिससे मल्टीप्लाई वो जीरो आ जाएगा, तो रिमाइंडर बच जाएगा। दरअसल जीरो रखने से इस वजह से जो आंसर आएगा वो इसका फैक्टर ही तब बनता है जब आंसर जो है हमारे पास क्या आ जाए, जीरो। उम्मीद है कि ये भी छोटा सा बेटा बेसिक इंफॉर्मेशन थी, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं बेटा इसके क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इंशाल्लाह हम इस लेक्चर के अंदर करेंगे, और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है इंतहाई ईजी है, और शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर जो है ये क्वेश्चन आ जाता है, पहला और दूसरा। अच्छा, सबसे पहले बेटा हम इसका नाम रखते हैं कि ये हमारे पास जो है वो पॉलीनोमियल है। अब आप कहेंगे सर पॉलीनोमियल्स क्या होता है, तो बेटा अगर आपने मुझे पहले से ही फॉलो कर रखा है तो आपको ये चीज का पता होगा कि मैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 के अंदर एक्सरसाइज नंबर 4.1 के अंदर बताया था कि पॉलीनोमियल वो होता है जो जब वेरिएबल की पावर होल नंबर में हो। होल नंबर क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3। अब ये देखिए 3 जो है होल नंबर के अंदर आता है, 2 होल नंबर क्या आता है, x की पावर 1 है होल नंबर, दरअसल ये पॉलीनोमियल है। यहां पे भी देखें ये भी पॉलीनोमियल, अगर यहां पर आ जाए जी 3/2, अगर मैं इसके नीचे 2 लगा दूं तो ये पॉलीनोमियल नहीं होगी, क्योंकि 3/2 होल नंबर के अंदर नहीं आता। जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर में हो तो उसको हम बोलते हैं पॉलीनोमियल। तो इसको हमने लेट कर लिया जी, ये जो लेट कर लिया फर्ज करें ये एक पॉलीनोमियल है। तो अब हमने जी इसकी जगह ये देखें, अब हमने क्या करना है, x माइनस 2 पहले ही हमने कहना है जी पुट, यहां पे नीचे लिख लेते हैं जी पुट x माइनस 2 को हमने रखा 0, हमेशा 0 रखे करेंगे और 2 पुट कर, यानी कि ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे ये जो है ना हमारे पास 0 से हमने फैक्टर होता है, तो इस वजह से मैं अभी आपको बताया ना, तो उससे हमने जो भी है 0 के बराबर रख के वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट कर देनी है, तो जो बचेगा वो क्या होगा हमारे पास रिमाइंडर होगा। अब यहां पे जहां जहां पर भी x आएगा हम वहां पे क्या लगा देंगे 2, तो ऊपर क्यूब है तो क्यूब लगा दिया, माइनस 10 आगे x है फिर 2, ऊपर स्क्वेयर है तो स्क्वेयर 13, और यहां पे आ गया जी 2 और माइनस 6। अब यहां पे देखें बेटा क्या आता है 3, और यहां पे अब 2 को 3 टाइम करेंगे, आप कैलकुलेट से काट लें, यहां पर आ गया 8 माइनस 10, अब कैलकुलेट से 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 4 प्लस 26 और माइनस 6। अब यहां पे आता है जी 24, ये आता है माइनस 40, ये आ जाएगा प्लस 26 और माइनस 6। अब ये कैलकुलेशन आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज नंबर 5.4 के अंदर हम डायरेक्ट करेंगे, वहां पे चूंकि हमने फैक्टर को देखना होता है। अब 24, अभी इनको पहले कर लेते हैं, 24 और 26 हमारे पास बनता है बेटा 50, और 50 में से 46 माइनस कर देना है, 40 और ये बनता है हमारे पास 50 माइनस 46, तो फाइनली बेटा हमारे पास जो जवाब आएगा वो क्या होगा 4, और 4 जो है दरअसल वो हमारे पास क्या है यहाँ पर आ गया जी 4, और हम यहाँ पे लिखेंगे जो रिमाइंडर है वो हमारा क्या आता है जी 4, रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया 4। ये जो चीज थी आपको पता है रिमाइंडर में पहले आपको बता चुका, अब सिंपली बेटा आपको समझ आ चुके, तो हम थोड़ा सा स्पीड से काट लेते हैं। यहाँ पे फिर पॉलीनोमियल को लिखा, फिर 4x की पावर 3 माइनस 4x और प्लस लिखा 3, फिर हमने क्या करना है वैल्यू निकालनी है, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये माइनस है उधर जाके आ जाएगा जी प्लस, और ये मल्टीप्लाई उधर जाके आ जाएगा जी दूसरी साइड पे डिवाइड। अब x की जगह हमने रखना है जी 1/2, जहां जहां पर x होगा वहां पे क्या लगा देंगे 1/2, यहाँ पे क्यूब है माइनस 4 ओवर यहाँ पे आ जाएंगे 1/2 और प्लस 3। अब ये देखे बेटा यहां पर आ जाएगा जी 4, इसको कैलकुलेटर पे करेंगे 3 टाइम, 1 का क्यूब 1 होता है, लेकिन 2 को जब 3 टाइम लिखेंगे ना ऐसे 2 2 4, 4 2 8, तो ये 8 आ जाएगा, ये हम कटिंग करके हमारे पास जो आप आता है ये 2 प्लस 3। अब ये कटिंग करें तो जो है 4 1 4, 4 2 8, ये आ गया जी 1/2 माइनस 2 प्लस 3। तो ये बेटा आपने क्या करना है सारे का सारा कैलकुलेटर, नहीं तो इनको दोनों को सॉल्व करने का कैलकुलेटर बगैर करना है, माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 निकालें तो जो आप क्या आ जाएगा 1, साइन बड़ी रकम का, इसका प्लस है तो प्लस आ जाएगा। अब इसका हमने क्या करना है एलसीएम ले लेना है, एलसीएम लेने का तरीका शॉर्ट ट्रिक आपको बताई थी, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ जरब कर देते हैं, 2 नीचे से अगर कुछ ना होते नीचे 1 खुद लगा देते हैं, 2 1 2, तो जो अब आ गया हमारे पास 3/2, और ये किसका आया है जी पॉलीनोमियल 1/2 का। तो मैंने आपको बताया था हर पॉलीनोमियल जो है वो बराबर एंड पे जो चीज बचेगी वो किसके बराबर होगा रिमाइंडर के, तो रिमाइंडर हमारे पास आ जाता है बेटा 3/2। इसी तरीके से बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरीके से होगा। अच्छा, 3 क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी हमने क्या करना है, सबसे पहले पॉलीनोमियल को लेट कर लिया जी, पी ऑफ एक्स हमारे पास आ गया 6,
एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स की पावर 3 माइनस एक्स और प्लस 2। अब हमने क्या करना है, एक्स प्लस 2 है ना, तो बेटा इसको रखना है जीरो के बराबर और एक्स की वैल्यू निकाली माइनस 2, और जहां जहां पर एक्स है वहां पे क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास माइनस 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस 2। ये आपने कैलकुलेट से कर लेना, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। कैलकुलेट वैसे आपने बस वैल्यू अच्छे तरीके से पुट करनी है और सारे का सारा आप कैलकुलेटर पे लिखें इसका जवाब क्या आता है। तो बेटा इसकी कैलकुलेशन की जाए, मैं कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ, ये 6 और यहाँ पर बेटा हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 2 को 4 टाइम लिखें तो 2 to the 4, 4 to the 8 और 8 to the 16, यहाँ पे आ जाएगा जी 16 प्लस 2 और ये आ जाएगा माइनस 8। ठीक है, ये माइनस माइनस सारे कैंसिल हो जाते हैं, अगर 4 हो तो 3 हो तो माइनस आ जाता है, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस और आगे फिर प्लस 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 96 और माइनस 16 और प्लस क्या आता है जी 4। अब इस सारे का सारा आप कैलकुलेटर पर 100 में से 16 माइनस करें तो जवाब आता है 84। दरअसल 84 आंसर आ रहा है पी ऑफ माइनस 2 का, जो कि ये है रिमाइंडर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी ऑफ माइनस 2 जो है, यानी कि वो आ गया 84 और यहाँ पे लिख लेंगे जी रिमाइंडर हमारे पास जो बचता है वो आता है जी 84। तो ये हमारे पास बेटा रिमाइंडर आ गया। अब नेक्स्ट दो क्वेश्चन है वो भी इस पार्ट के वो भी कंप्लीट करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 के जो दो पार्ट है वो भी इंशाल्लाह इसी लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की तरफ, यानी पार्ट नंबर 4 और 5 की तरफ। अच्छा तो बेटा पार्ट नंबर 4 में सबसे पहले कर लेते हैं ये भी जल्दी जल्दी, यहाँ पे हमने लेट काट लेना है, हर दफा लिख लिया करें लेट। पॉलिनोमियल हमारे पास क्या आ जाता है, 2x-1 का क्यूब प्लस 6 × 3 प्लस 4x का होल स्क्वायर माइनस 10। यहाँ से वैल्यू निकाल लिया जी 2x+1 = 0। 2x का बेटा जवाब आ जाएगा जी यहाँ पर 2x = -1, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो अब हमने बेटा इसके अंदर पुट कर लेना, जहां जहां पर x आएगा वहां पर हम लगा देंगे जी -1/2। अच्छा यहाँ पे बेटा लिखते हैं जी 2 - 1/2, आगे आ जाता है जी -1 और ऊपर लगा देंगे क्यू प्लस 6, यहाँ पे आ जाएगा 3 × 4 - 1/2 और साथ बेटा यहाँ पर क्या आता है होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पर क्या आ जाता है हमारे पास 10। आगे बेटा क्या आएगा जी, ये 2 कैंसिल हो गया, -1 और -1 इसका होल क्यूब आ जाएगा बेटा और प्लस 6 यहाँ पे आ जाएगा 3 + -2 × 2, 2 × 4 ये आ जाएगा 2 और ऊपर आ जाएगा जी स्क्वायर माइनस आ गया 10। यहाँ पे बेटा देखें -2 है, -2 का यहाँ पर ले लेंगे जी नेक्स्ट स्टेप में ले लेते हैं क्यूब, ये आता है जी 3 - 2 यानी 1 का स्क्वायर माइनस 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा -8, 3 टाइम करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 6, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है -10। अब ये कितना बनता है -8 और -10 -18 और +6, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिख लें आपको समझ आ जाएगी, ये आ जाएगा बेटा -12। तो ये हमारे पास क्या आ गया P of -1/2 का आंसर। तो ये जो चीज बची है वो हमारे पास क्या होता है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर आ गया -12। इस पार्ट का यानी क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट करते हैं बेटा, ये भी बहुत ज्यादा आसान है। इसी तरीके से आपने लेट कर लेना है, पॉलीनोमियल लिखता हूं बेटा x³ - 3x² + 4x - 14। वैल्यू इस तरह बेटा आपने लिख लेना, पुट x+2 = 0, x = -2। तो यहां पर जहां जहां पर होगा बेटा यहां पर -2 पुट करते जाएंगे, -3 × -2 का होल स्क्वायर और +4 × -2 और -14। यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेटर में -8 आ जाएगा, -3 ये आ जाएगा बेटा 4 और ये आता है जी प्लस माइनस आ गया -8 ±-8 और 14, ये आता है जी -8 और -12 और -8 और -14। अब ये -1 सब आपस में प्लस हो जाएंगे, बस इनको जमा करें और साथ जो साइन है वो बड़ी रकम का लगा दें। तो आप कैलकुलेटर भी कर ले, -8 और 12 ये 30 और 8 कितना हो गया बेटा, ये हमारे पास कितना बनता है, एक दफ़ा देख लें दोबारा, हमारे गलती तो नहीं होगी कहीं से, एक दफ़ा कर लेते हैं। ये हमारे पास बेटा x³ - 3x² + 4x - 14। यहाँ पर बेटा हमारे पास क्या आता था, x -2 निकला, -2 यहाँ पे पुट किया, फिर यहाँ पर 3
माइनस टू का होल स्क्वायर ऊपर प्लस फोर माइनस टू, यहाँ पे माइनस फोर्टीन, यहाँ पे आ गया बेटा माइनस फोर, और ये माइनस ही रहेगा क्योंकि माइनस टू वन में फोर हो जाएगा, और ये माइनस एट हो गया, ये माइनस फोर्टीन। अच्छा तो ये भी हमारे पास ऐसे आ गए, इनको सबको जमा कर ले, एट और ये बनता है ट्वेंटी, ट्वेंटी और एट ट्वेंटी एट, ट्वेंटी एट और फोर्टी ये आ जाएगा माइनस फोर्टी टू। सिंपल सा है, मैंने एक दफ़ा देख लिया कि मिस्टेक तो नहीं, तो कोई मिस्टेक नहीं है। यहाँ पे माइनस फोर्टी टू जो है वो हमारे पास बेटा क्या आ गया रिमाइंडर। अब हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर टू के दो पार्ट है, वो भी इंशाल्लाह इसी लेक्चर में करके इस एक्स यानी क्वेश्चन नंबर वन और टू को वाइंड अप करते हैं, और इस लेक्चर को भी वाइंड अप करते हैं।